वेल गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर यहाँ पर आप लोन मार देख सकते हो कि मुझे इस लोन एप्लीकेशन के अंदर पूरे 8000 का लोन अप्रूवल मैसेज आ चुका है, जो अभी आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हो। और दोस्तों, सबसे मजे की बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि मुझे इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जो 8000 का जो लोन आपको बताया जा रहा है, बस मुझे पेन का आधार कार्ड के बेसिस पे। तो आप भी कुछ ऐसी लोन एप्लीकेशन के तलाश में थे जहाँ से आपको पेन का आधार कार्ड के बेसिस पे लोन मिल जाए, तो हाँ दोस्तों, ये लोन एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर कैश लोन अप्लाई करना है और आपको जो अमाउंट मिलेगा उसको सीधा आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाया हूं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो मैं दियो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से भी आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। और वैसे मैं आपको वीडियो के बीच में किसी भी टाइम बता दूंगा कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। और जैसे आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फर्स्ट टाइम ओपन करोगे, फिर दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इंटर मोबाइल नंबर। तो आपको इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर एक इंटर कर लेना है। फिर दोस्तों, नीचे आपको कंटिन्यू का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जो भी मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराओगे उसी मोबाइल नंबर पर इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा एक OTP आएगा। तो OTP इंटर करके वहाँ से आपको वेरीफाई OTP से क्लिक कर लेना है। और दोस्तों, जैसे वहाँ से अपना OTP इंटर करके वहाँ से वेरीफाई वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों अब यहाँ से आप इस लोन एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर आ जाओगे। और होम स्क्रीन पर आने वाले दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, हम लोग को इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना है। लेकिन दोस्तों, लोन लेने से पहले सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना आए हो तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 2 लाख तक का लोन अमाउंट दिया जा सकता है। और दोस्तों, ईजी रिपेमेंट के साथ यहाँ पर आपको लोन अमाउंट दिया जाएगा। दोस्तों, 10 आवर की बात कर ले तो यहाँ पर पूरे आपको 24 महीना आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 10 आवर और लोअर इंटरेस्ट रेट के साथ आपको दिया जाएगा, जिसका 18% लगाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ से आपको लोन लेने के लिए उसके ठीक नीचे अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों अब यहाँ से आपको इस लोन एप्लीकेशन को परमिशन देना होगा। तो परमिशन देने के लिए नीचे टर्म एंड कंडीशन देखने को मिलेगा, तो आपको इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। फिर नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा रीड एंड एक्सेप्ट, तो यहाँ से आपको रीड एंड एक्सेप्ट वाले ऑप्शन क्लिक करके इस लोन एप्लीकेशन को एक एक करके यहाँ से आपको लगातार परमिशन दे देना है। और जैसे वहाँ से लगातार परमिशन दे दोगे, फिर दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इंटर पैन कार्ड नंबर। तो आपको इस बॉक्स में अपने पैन कार्ड का 10 डिजिट का आपको नंबर इंटर कर लेना है। फिर नीचे आपको कंटिन्यू का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे वहाँ से आप कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों ऊपर आपका पैन कार्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो चुका है। फिर दोस्तों, आपके पैन कार्ड में जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा, फर्स्ट नेम देखने को मिल जाएगा और लास्ट नेम देखने को मिल जाएगा। और बीच में यहाँ पे जो आपको मिडिल नेम देखने को मिल रहा है, तो ये ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो उसको छोड़ भी सकते हो। अगर आपको मन हुआ तो मिडिल नेम इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों, इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नीचे प्रोसीड का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप प्रोसीड वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों ऊपर आपका फर्स्ट नेम देखने को मिल जाएगा, उसका दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सेलेक्ट योर जेंडर। तो यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि आप जेंडर में मेल हो या फीमेल हो, वह सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों, यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जन्मतिथि क्या है, जो आपके डॉक्यूमेंट में होगा सेम वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे देखने को मिल जाएगा मैरिटल एसेट। दोस्तों, यहाँ से आपको अपना मैरिटल एसेट सेलेक्ट कर लेना है कि क्या आपका शादी हो चुका है या नहीं हुआ है। तो अगर आपका शादी हो चुका है तो यहाँ से आप मैरिड सेलेक्ट कर लेना, अगर आपका शादी नहीं हुआ तो यहाँ से आप अनमैरिड सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे देखने को मिल जाएगा फादर नेम। तो दोस्तों, यहाँ अपने फादर का फुल नेम इंटर कर लेना है। फिर नीचे प्रोसीड का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप प्रोसीड वाले आइकन पर क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पैन कार्ड में जो भी आपका एड्रेस होगा वो फुल एड्रेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लैंडमार्क। तो यहाँ पर आपको अपना लैंडमार्क इंटर कर देना है। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों को पता नहीं होता है
कि लैंडमार्क होता क्या, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लैंडमार्क वो होता है कि अगर आपके घर के आसपास कोई पॉपुलर जगह हो गया, जैसे कोई मॉल ही हो गया या कोई स्कूल हो गया या कोई मंदिर या मस्जिद हो गया, उसका नाम इंटर कर सकते हो। फिर दोस्तों नीचे फुट सीट का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से फुट सीट वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। लेकिन दोस्तों मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ से अपने पैन कार्ड वाले या आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते, तो अभी आप करेंट में आप अनदर एड्रेस पर रहते हो, तो इस टर्म एंड जो कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, तो इस टर्म एंड कंडीशन को अनटिक कर देना है। फिर नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऐड कम्युनिकेशन एड्रेस, तो यहाँ से आपको ऐड कम्युनिकेशन एड्रेस वाले ऑप्शन क्लिक करके अपना करेंट एड्रेस इंटर कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ अपने पैन का आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहते हैं, तो हम यहाँ से सीधा प्रोसीड वाले आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। और जैसे मैंने यहाँ से प्रोसीड वाले आइकन पर क्लिक कर लिया, फिर ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। दोस्तों यहाँ से आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि आप एम्प्लॉयमेंट टाइप में सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका जो भी होगा वह सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एम्प्लॉयमेंट टाइप में यहाँ से सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लिया हूँ। फिर दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप जो अपना वर्क करते हो आप कौन पोस्ट में हो, जैसे मैनेजर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा ग्रॉस मंथली इनकम, यानी दोस्तों आप एक महीना में कितना रुपया कमा लेते हैं अमाउंट यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। फिर नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मंथली आउट गोइंग EMI, यानी दोस्तों अगर आप कोई भी महीना का EMI वगैरह चल रहा है तो कितना चल रहा है उतना इंटर कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप कोई भी EMI वगैरह नहीं चल रहा है अभी, तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। फिर नीचे प्रोसीड का जो आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको प्रोसीड वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से प्रोसीड वाले आइकन पर क्लिक करोगे, फिर दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इंटर आधार नंबर, तो आपको इस बॉक्स में अपना आधार कार्ड का 12 डिजिट का आपको नंबर इंटर कर देना है। फिर ये जो कैप्चा दिखेगा, इस कैप्चा को इस बॉक्स में इंटर कर लेना है। फिर दोस्तों नीचे जो आपको नेक्स्ट का जो आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर इस लोन एप्लीकेशन का द्वारा एक OTP जाएगा, तो OTP इंटर करके यहाँ से आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर लेना है। और जैसे वहाँ से अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर लोगे, फिर दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा टेक सेल्फी, तो अब यहाँ से आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर अपना एक सेल्फी अपलोड करना होगा। तो सेल्फी अपलोड करने के लिए यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा, फिर नीचे कैमरा का जो आइकन देखने को मिलेगा, तो आपको इस कैमरा वाला आइकन पर क्लिक करके अपना एक सेल्फी यहाँ से क्लिक कर लेना है। फिर नीचे देखने को मिल जाएगा सबमिट सेल्फी, तो सबमिट सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस लोन एप्लीकेशन के अंदर अपना एक सेल्फी यहाँ से अपलोड कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे मैंने अपना सेल्फी अपलोड करके मैंने वहाँ से सबमिट डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन क्लिक कर लिया हूँ, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है और मेरा से सेल्फी वेरीफाई हो चुका है। फिर नीचे देखने को मिल जाएगा कन्फर्म एंड कंटिन्यू, तो यहाँ सबको कन्फर्म एंड कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ सब कन्फर्म एंड कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि मैं इस लोन एप्लीकेशन के अंदर पूरे 8,000 करोड़ के एलिजिबल हूँ, जो अभी आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो 8,000 करोड़ है यह मुझे पूरे 15 दिनों के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। 15 दिन में मुझे इनको टोटल रिपेमेंट करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो 8,059 रुपये रिपेमेंट करना है। और मेरे अकाउंट में जो पैसे इस लोन एप्लीकेशन द्वारा जो ट्रांसफर किया जाएगा 7,528 रुपये ट्रांसफर किया जाएगा। टोटल जो यहाँ पे इंटरेस्ट बनेगा 18% लेगा। एनुअल परसेंटेज की बात कर ले तो यहाँ पे 67% यहाँ पे लगाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे अपने लोन का सभी डिटेल देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ से आप लोन ले सकते हो, तो नीचे देखने मिल जाएगा एड न्यू बैंक, तो यहाँ से आपको ऐड न्यू बैंक वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे वहाँ से आप ऐड न्यू बैंक वाले ऑप्शन क्लिक करोगे, फिर दोस्तों अब यहाँ से आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट डिटेल्स इंटर करना है कि आप अपने लोन अमाउंट पैसा को कौन से बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो। तो सबसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट का IFSC कोड यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा, फिर अकाउंट नंबर इंटर करके कन्फर्म अकाउंट नंबर इंटर कर देना है। फिर दोस्तों नीचे देखने को मिल जाएगा अकाउंट होल्डर, दोस्तों आपके अकाउंट में जो भी आपका नाम होगा वो नाम यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सेलेक्ट अकाउंट टाइप, तो आपका अकाउंट सेविंग या करेंट या अदर या ओवर ड्राफ्ट है, जिस भी टाइप का आपका अकाउंट होगा वह सेलेक्ट करके नीचे प्रोसीड का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको प्रोसीड वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। और जैसे वहाँ से प्रोसीड वाले आइकन पर क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है डिसबर्समेंट इन प्रोसेस, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 मिनट के अंदर में 7,528 रुपये आपके बैंक में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद तो आपको जो चार्जेस वगैरह जो काटा गया है सभी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप डिटेल्स देख सकते हो। उसका दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिल जाएगा
डिसबर्समेंट इन प्रोसेस, तो यहाँ पे आपको लगभग 5 से 10 मिनट समथिंग वेट कर लेना है और 5 से 10 मिनट के अंदर में आपके बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों आप भी कुछ इसी प्रकार से इस लोन अप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाया कि आपको इस लोन अप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई करना है और आपको जो लोन मिलेगा उसको सीधा आप अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस लोन अप्लीकेशन का जो लिंक है मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। आप जाइए मैं दियो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप इस लोन अप्लीकेशन इंस्टॉल करके सेम इसी प्रकार से इस लोन अप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मान लेते हैं कि अगर आप इस लोन अप्लीकेशन के अंदर जाते लोन अप्लाई करने और हो सकता है किसी भी कारणवश यहाँ से आपको लोन नहीं मिल पाता है या सीधा आपको लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है, तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आप सच में इस पर्सनल लोन लेना चाहते हो और आपको पैसों कुछ ज़्यादा इमरजेंसी आ गई है और वैसे में आपने प्ले स्टोर पर जाकर काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन ट्राई कर लिया, लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों मैंने आप सभी लोगों के लिए एक रियल फिट लोन एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बना दिया है जिसका लिंक मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको सच में इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना है तो आप उन फिट लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर विजिट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों मैंने खुद अपने काफ़ी सारे सब्सक्राइबर लोगों का उन फिट लोन एप्लीकेशन से लोन अप्रूवल करवाया हुआ है और मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर लोग भी उन फिट लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर खुश है। तो आपको सच में इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना है तो आप उन फिट लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर विजिट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस गाइज आज की इस वीडियो में गाइज, और भी आपको अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।